हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आज वाला आज विशाल के बर्थडे का ब्रिंग इन, हम जाने वाले थे रांची बट किसी इशू की वजह से हम यहीं पे गांव में रहना पड़ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि उसका बर्थडे हम यहीं पे अच्छे से सेलिब्रेट करें। रांची का अगर पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते, सबके साथ सेलिब्रेट तो करते ज़्यादा अच्छा लगता और उसको भी अच्छा लगता और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता साथ में सेलिब्रेट करने में। और उसके लिए तो उसकी फैमिली के साथ मनाना बहुत बहुत स्पेशल हो जाता। बट कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके फिर से सेलिब्रेट करेंगे। तो आज विशाल का बर्थडे का ब्रिंग इन करने वाले हैं, जो तो भी हम जा रहे हैं छोटा मोटा शॉपिंग करने। हाँ, जो भी सामान यहाँ पे अवेलेबल होंगी हम ट्राई करेंगे कि उसका बर्थडे स्पेशल बनाए और उसको थोड़ा स्पेशल फील करा सके। अभी हम लोग बिग बॉस देखते देखते तैयारी कर रहे हैं बर्थडे ब्रिंग इन का। बिग बॉस देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखो, हमारा आधा प्रिपरेशन हो चुका है। वो कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ गुब्बारे का काम कर रही है। लेकिन जो बर्थडे बॉय है वो सो चुका है। तो हम उनको सुलाना चाहते थे आज कि थोड़ा जल्दी सो जाए, इसलिए। तो ये हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट डन, जितना हमसे हो पाया। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ बाहर से। ये रहा, अब इसमें बस कैंडल लगाना है और जितने बलून और ये फुला सकती है। ये बैकग्राउंड में मत जाना क्योंकि ये मैस है। अभी देख लो डेकोरेशन ऐसे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। मतलब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते बट हाँ, अभी हम लोग मतलब जितना आधे घंटे में हम लोग कर सकते थे उतना किया। अवेलेबल था हमारे पास सामान, जितना यहाँ पे अवेलेबल हमें मिला और आधे घंटे में जितना हो सकता था। मैं गरिमा को बलून फुला के गरिमा के आँख में चोट दिखाओ, बेचारी रो रही है। ये रहा, ये सारा सरप्राइज गरिमा की साइड से, मैंने कुछ नहीं किया। गिफ्ट भी गरिमा लेके आई है। मेरे सरप्राइज का 40-30 सब हो गया। टाइम पे भी नजर रखना है। देखो अब हमारा जो भी होना था सारा डेकोरेशन हो गया, बस हमें फ्लावर नहीं मिला। कोई बात नहीं, देखो ये हमारा फुल एंड फाइनल डेकोरेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे आ रहा है और ये सो रहे हैं। ये देखो उठो उठो उठो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सोना है। देखो हम बर्थडे बॉय को तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, कौन बुलाया? अरे बाबा, मुंह से बुलाई क्या तुम लोग? मैं डे टू यू, डे टू यू, बार दिन सो जाए हम, बार बार दिन ये तू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो विश मांगो जल्दी। जैसे दारू पीने के बाद नींद नहीं आता वैसा नींद आ रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो नहीं, ये तो होगा ही। अभी ये आईफोन 13 यूज कर रही है और आस्था बोली कि नहीं यार, मैं वो बोली कि मैं तुम्हारे फोन से शूट नहीं करूंगी। क्यों नहीं शूट करूंगी? क्योंकि तुम्हारे फोन में पूरा ब्लैक दिखता है एकदम। तो ये बोलती है ये लड़की, ये फिल्टर का जिंदगी हो चुका है तुम लोगों का, फिल्टर वाला। सोच लो अपने लाइफ से फिल्टर हटाए और काले कलोटे दिखे, कट्टी सा दिखे, जरूरी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग काले दिखते हैं, आपको अपना रियल शक्ल दिखाते हैं। ओके, तो अब आप लोग हमको देख रहे हैं इसके काले वाले फोन से। देखिए एक्चुअली में ये काला कर दे रहा। ओके एनीवे, तो आप लोगों ने देखा रात में कि रात में मैं घोड़ा बेच के सोया हुआ था अपना, बट ये लोग मेरे को बर्थडे सरप्राइज दी
अभी क्या हुआ देखो आंटी को, देखो क्या आंटी ऐसे चाहिए रोड पास किया जाता है। क्या हुआ अभी हम लोग मंदिर गए, विशाल का बर्थडे है तो शुरुआत मंदिर से हुआ। टीका भी लगा हुआ है, ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके मंदिर निकले हम लोग। फिर मंदिर से होके अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़े से बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और इस बर्थडे में मेरे को लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है जो कि मैं रांची जाऊंगा तो मेरे को पता है, मतलब मैं कुछ दिन के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा गिफ्ट जो लाइफ टाइम अपने पास रहता है। गिफ्ट मिला भी नहीं है, मैंने विशाल को कुछ नहीं दिया, बस ये दी है। देखो विशाल कैसा लग रहा है। It's my birthday gift. तो आज क्या हुआ था, हम लोग वहाँ जाते तो विशाल का दोस्त आने वाला था, एक्चुअली आने वाला नहीं था, वो आ चुका आ रहा था स्पेशली। एक्चुअली क्या था कि बर्थडे का प्लान कुछ स्पेशल था, मेरा एक फ्रेंड आने वाला था जिसको आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा है, एसडी ब्लॉग्स, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। वो आ रहा था बैंगलोर से स्पेशली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और वो आज 11 बजे रांची पहुंच भी गया और बेचारा 11 बजे रांची पहुंचने के बाद उसको जाना पड़ा बोकारो। क्या क्या हम लोगों ने प्लान किया था, क्या क्या करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे बट कुछ नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज कि हम लोग कुछ काम में फंसे हुए हैं और इसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, ये भी जो बर्थडे होता है कभी कभी ऐसे बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा भी लास्ट बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ था विदाउट फैमिली, बस हम दोनों थे। आज तो गरिमा भी है। ऐसा कुछ हो जाता है, हम लोग काम में इतना फंस जाते हैं कि फैमिली के बीच में भी अपनी खुशियां नहीं बांट सकते। लाइफ है, चलते रहता है। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा खाने पीने के लिए, अब पता चलेगा हम लोग को कुछ पता नहीं कि क्या है अच्छा वहाँ पे खाने पीने के लिए, बट जाते हैं। बट आज हम लोग कुछ न्यू ट्राई करने जा रहे हैं, जहाँ हमेशा न्यू ट्राई करने जा रहे हैं। सॉरी न्यू आज हम लोग कुछ न्यू ट्राई करने जा रहे हैं जो हम लोग कभी नहीं गए वहाँ पे, तो देखते हैं। पहले तो पिज्जा खाएंगे क्योंकि विशाल सुबह सुबह पिज्जा का नाम ले लिया है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो पहले पिज्जा खाएंगे उसके बाद जाएंगे न्यू जगह पे जहाँ पे अभी मतलब हम लोग पहली बार जा रहे हैं बट वो है काफी पुराना। तो हम लोग आज गढ़वानी, आज हम लोग डाल्टनगंज जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का फूड, क्योंकि आज तो हम प्योर वेज खा सकते हैं। विशाल का वेज बर्थडे, ये ये लड़की भी दिल्ली से आई है विशाल के बर्थडे के लिए। अभी विशाल का मूड अभी थोड़ा लाइट अप हुआ है इसलिए हम लोग व्लॉगिंग अभी शुरू कर रहे हैं। मंदिर में व्लॉगिंग नहीं की, जब विशाल भगवान से ब्लेसिंग ले लिया, माता रानी का ब्लेसिंग ले लिया तो इसको थोड़ा अच्छा अच्छा फीलिंग आने लगा, क्योंकि सुबह से थोड़ा लो था विशाल लो था, तो अभी थोड़ा मंदिर जाके थोड़ा लाइट अप करके थोड़ा हेल वेल पी के अपने आप को थोड़ा सा लाइट किया है, मूड सही किया है। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जहाँ जा रहे हैं वो तो कन्फर्म है कि वहीं जा रहे हैं, बस देखिए। अभी हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में दिख गया गन्ने का जूस, यहाँ पे गन्ने का जूस बहुत अच्छा बनता है, तो चलिए आप लोगों को गन्ने का जूस पिलाते हैं। हम लोग कहाँ रुकेंगे, जहाँ खाली रहेगा वहाँ रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ वीडियो शूट करेंगे। वीडियो शूट यहाँ पे इतने सारे गन्ने के जूस वाले रहते हैं, कितने साल हम लोग अभी इनके पास जाएंगे गन्ने का जूस पियेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे भी रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे गन्ने का जूस काफी टेस्टी लगता है, यहाँ पे क्या गन्ने का जूस टेस्टी लगता है यहाँ पे मंदिर है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बहुत बार रुके हैं बट कभी यहाँ पे आके ये मंदिर देखे नहीं है, पहली बार यहाँ मंदिर देख रहे हैं। एनीवे गाइस आप लोग आइए इधर फोटो क्लिक करते, तुम लोगों चलिए जाइए। मतलब अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए थे, जूस वगैरह पिया, फोटो शूट वगैरह करवाया, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। ओके गाइस फोटोशूट डन, अब हम चलते हैं खाने, अब हम चलते हैं खाने नहाने। नहा के आए हम, खाने चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए डाल्टनगंज, हम लोग जाएंगे पिज्जा खाने। विशाल इज अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन, डोमिनोज। और गरिमा को पता ही नहीं, गरिमा शॉक में है कि यहाँ पे डोमिनोज ओपन हो गया है। हाँ हो गया है, तो हम लोग पहुँच गए डोमिनोज।
हम ही दोनों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि बैठना कहाँ है। नहीं फिर यहाँ नहीं, यहाँ बैठते हैं। नहीं यहाँ ज़्यादा अच्छा पसंद है। तो हम लोग भी डोमिनोज में बैठे हुए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं और वेट कर रहे हैं अभी हम लोग कि हमारा ऑर्डर आए। पिज्जा के लिए बिल्कुल वेट नहीं होता। अभी पता क्या हुआ, वो जो बेबी दिख रहा है ना उसको बोले गरिमा को दिखा कि ये लड़की पागल है ना, वो बोल रहा है। ओके गाइस, तो वेट हो गया ओवर, सो अभी हम लोग मजे लेते हैं पिज्जा का। आप लोग ब्लॉग का मजा लीजिए, हम लोग पिज्जा का मजा लेते हैं। देखिए इन दोनों बुफर को कैसे खा रही है। देखिए अभी हमारा फिनिश बैठ गया, बाहर मजा आ गया। मेरा तो पहले से भरा हुआ था और भर गया। या रियली मैन, ये बहुत बकवास पिज्जा सोच के खाने के लिए। ये आदमी अपने बर्थडे के लिए इसको बोलते हैं मस्ती मस्ती। ऐसा करो दबा के कि आज अपन का आखिरी वाला हस्ती है कि नहीं गाइस। जा रहे हैं मिठाई बर्थडे, तो मिठाई तो बनता है बर्थडे, तो मिठाई तो बनता है। तो ये है मिस्टी, मिस्टी में मिठाई खरीदेंगे और गरिमा को इस मोटी को बहुत मिठाई खाने का मन था और इस मोटे को मिठाई बहुत पसंद है। ये आज नींद में है, कोई बात नहीं, ये आज लग रहा है पी के आ रहे हैं। जो आस्था किसी और को भी आने दिया करो। चलो छह क्यों ले रहे हो, केवल गुलाब जामुन लो, वाइट रसगुल्ला मतलब हम लेंगे, हमको अच्छा लगा। ये लास्ट टाइम खाया था ना, बहुत टेस्टी था, रसमलाई इनका। भैया दो रसमलाई पसंद कर दो, फिर तुम मेरा शेयर कर लो। हम नहीं शेयर करेंगे ब्रो, फिर तुम ले लेते हो, तुम अपना। भैया तीन कर दीजिए, ये हमेशा मेरा खा लेते हैं। अरे बोल के नहीं खाएंगे तुम। नहीं हम इनको, भैया तीन कर, किसकी कर, तीन तीन भैया, हम एक एक्स्ट्रा खाएंगे, हम एक एक्स्ट्रा खाएंगे। ले भी नहीं करेंगे। नहीं भैया तो ये तो हम लेके भाग गए, अब ये दोनों पता नहीं कब आएंगे। उनका वेट करते हैं, वो कब आते हैं वो दोनों देखो। अभी तक पैसे देने का, पैसे देने के लिए खड़े हैं। मैं मिठाई लेके पहले भाग गई। फैशन क्या है ये जला, चल क्या हो? ये देखो, जब मेरा पैसा ये लोग खर्चा करवाती है ना, तो हम इसी तरह नाचते पागल हो जाते हैं, पागल का सदमा आने लगता है, इसलिए ऐसा ऐसा नाचते हैं हम। थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहा था, वाओ क्या व्यू है, तुम कितनी क्यूट लग रही हो वहाँ ऐसे करके, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद इसका सेगमेंट जो टट्टी जैसा फेस दिख रहा है तुम्हारा, ये आदमी जो कैमरे के पीछे है अपना स्टेटमेंट चेंज करते रहता है। मोहतरमा मोहतरमा बिराजी, आस्था को लेना है मशरूम पटियाला और दाल मखनी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दाल मखनी यहाँ पे ना मिले। फिर से बोलो, हम सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किए। मशरूम कढ़ाई या मशरूम हांडी या मशरूम जो प्याज है थोड़ा मीठा हो जाएगा। भैया एक पार्सल कर दीजिए, मशरूम कढ़ाई, एक दाल मखनी। तो एक भाई साहब अभी दिखे जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, मैंने सोचा कुछ इंटरेक्शन होगी उनसे, बट कुछ इंटरेक्शन हुई नहीं। भाई साहब निकल गए हैं बाहर, मैं इधर से इसलिए कर रहा हूँ कि इधर से लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए मेरे फ्रेम में बार बार घुस रही है, फुटेज चाहिए उसका, फुटेज देख। बर्थडे साला मेरा है, फरमाइश इनका हो रहा है। आँखों से इसने ये जो मुझे कह दिया, दिल ये बेचारा डरने लगा। लाजवाब फैमिली रेस्टोरेंट, ये कहाँ पे है? डाल्टनगंज में। कौन से चौक पे? ओके, रेडमा चौक। और काफी खूबसूरत इंटीरियर है, मतलब तरक्की कर रहा अपना डाल्टनगंज, अपना पलामू, अपना मेदनी नगर। इफ यू डोंट नो नाउ यू नो। ओके,
सबसे पहले तरक्की यहाँ दिख रहा है पलंग का। अरे वाह वाह दिखाओ उठ के खड़े होके। तो ये चम्मच है, जब भी आप खाना खाने हैं इसको अपना बैग में भर के ले जाना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ का इंटीरियर जो है काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया। ये देखो इन लोग ऐसे चिपका चिपकी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह से चिपका चिपकी चलते रहता है दोनों का। वॉशरूम आइए, हमको भी जाना था, चलिए वहाँ भी ब्लॉगिंग। ओके तो वेट करते करते बहुत टाइम हो गया, अब ये लोग इरिटेट हो गए और ये सब बोल के ब्लॉगिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो आप लोगों को एकदम सब्सक्राइब लाइक फलना डिंगना सब इतना कर देना है कि इसका मुंह पे तमाचा लग जाए। थैंक यू सो मच, चलो ये वाला करम उसके फूटे करम, लेकिन करते हुए बहुत करम करना पड़ता है ब्रो। आओ थोड़ा आगे चल के चाय पिलाते हैं। सो पैकअप हो गया है आज का, आज हम लोग अभी जा रहे हैं अभी घर की तरफ, एक रास्ते में रुक के चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर घर। सो हम लोगों ने रात का खाना ले लिया पार्सल, घर पे जाके चपाती वगैरह बना लेंगे। ये देखिए मैडम आस्था को। सो चलते हैं, रास्ते में चाय पीना है और कुछ नहीं बच रहा है रास्ते के लिए। पेट्रोल ले रहा है। सो पेट्रोल हम लोगों ने भरवा लिया, अब हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोगों का यहाँ दादागिरी चलता है। देखिए 1550 का पेट्रोल तो ले लिए, अब पैसा देने की बारी आई तो भाग। अभी हम लोग खाना वाना पैक करा के निकल चुके घर जाने के लिए, क्योंकि अभी देखो पिज्जा खाए फिर हम तुरंत तो खा नहीं सकते ना वो सारा डिनर विनर। तो डिनर हम लोग करेंगे और फिर जो भी बनेगा बनाना वनाना होगा वो बना के विशाल के लिए करेंगे। विशाल का बर्थडे ठीक ठीक मना, केक रात को कट हो गया था, केक वेस्ट ना हो इसलिए हम दोबारा केक नहीं खरीदे और ना ही कट किए। हमारा प्लान था कि डोनट्स वोनट्स कुछ भी पेस्ट्रीज वेस्टीज लेंगे, बट मन नहीं किया खाने का, तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं, हम तीन ही है वेस्ट क्यों करना। अभी कल का ही पूरा केक पड़ा हुआ है, गरिमा के कहने पे नवरत्न पुलाव लिए है, अगर अच्छा नहीं होना इसको। हमें जाना था कहीं और, कहीं मतलब अच्छे जगह पे खाने पीने के लिए, बट पिज्ज़ा खाने के बाद पेट भर गया और ये आदमी थका हुआ था तो बोला नहीं नहीं नहीं, तो अब बर्थडे जिसका है उसके मन से तो चलना पड़ता है ना। ओके चाय आ गया, थोड़ा सा चाय गिर गया आस्थे के ऊपर भी, और हम लोग पड़वा मोड़ में भी पी रहे हैं चाय। चाय कोई नहीं, कल धुला जाएगा, टेंशन नहीं लो। ओके सो हम लोग चाय एंजॉय करते हैं और चाय एंजॉय करने के बाद घर पे मिलते हैं। बाय गाइस। बाय गाइस। बिग पिच्ची आदमी है ये, हम लोगों को पैक करके रखता है पता नहीं क्यों। अरे यार हम लोग को ना यहाँ पे एक दूल्हा खड़ा है, देखो देखो जा भी रहा है, उसको देखना था, उसको देखने नहीं दे रहे हैं, दरवाजा बार बार बंद कर। ये दूल्हा बाबू को इन लोगों को देखना था जो कि दिख भी नहीं रहे, जिसके लिए ये लोग गजर गजर बजर बजर मेरे साथ की हुई है, और ये हमारे सामने लगी हुई है दूल्हे की गाड़ी। सो कांग्रेचुलेशन भाई, अगर आप हमारा ब्लॉग देख पाए कभी जीवन में तो आपको हम लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। ओके तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 5 6 5 6 7 8 जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा, जी करदा कपताना हां दे जलसे ते नचने तो मेरा अज जी करदा।